प्रिया चक्रवर्ती ने सारा का सारा केस जो है वो एक अलग ही एंगल वापस से देने की कोशिश कर रही हैं। संजना सांगी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजीव मसंद तक का नाम ले दिया रिया चक्रवर्ती ने। क्या कुछ डिटेल्स है चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया वहां पर उन्होंने कहा कि सुशांत जो है वो संजना सांगी से काफी ज्यादा परेशान थे। अंत अंत के कुछ दिनों में वो ब्लाइंड आइटम्स से परेशान थे, यानी कि मैं आपको बताऊं तो बार बार रिया ने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं हर जगह इसी बात को वापस से पुश क्या है कि सुशांत डिप्रेस्ड हो गए थे, सुशांत अपसेट थे नेपोटिज्म की वजह से, सुशांत इंडस्ट्री में जो बोलबाला है उसके वजह से अपसेट थे, सुशांत ब्लाइंड आइटम्स की वजह से अपसेट थे। ये रीजंस थे उनके परेशानी के, लेकिन ये रीजंस नहीं थे उनके चले जाने के। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही इंटेलिजेंटली, राधा रायशुद से बहुत ही स्टूपिडली इस बात को वापस से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज अनहैप्पी जब उनके ऊपर मीटू का इल्ज़ाम लगा, जो कि सच बात है। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर वो सच्चा है और उस पर मीटू का इल्ज़ाम लगेगा तो वो हर्ट होगा और वो अपसेट होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने संजना सांगवी पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि संजना के साथ जब वो फिल्म कर रहे थे तो जब र्यूमर्स आई तो एक महीने तक संजना चुप रही और उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस बात से सुशांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। लेकिन 2018 के इंसिडेंट से सुशांत 2020 में ऐसा क्यों करेंगे? तो कहीं ना कहीं रिया जो है वो चाहे राजीव मसंद की तरफ, उन्होंने ये भी कहा रिया ने कि राजीव मसंद के ब्लाइंड आर्टिकल्स से वो बेहद परेशान होते थे, उन्होंने मुझे कई बार स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं कि देखो मेरे बारे में गलत चीजें लिख रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। किसी भी इंसान के बारे में गलत बातें छपती है वो रिएक्ट करता है, लेकिन उसको ऐसे पोर्ट्रे करना कि वो बाइपोलर हो चुका था, वो डिप्रेशन में था, दिस इज शेयर सिस्टमैटिकली प्रूविंग समथिंग, इट इज़ नॉट मोर देन एनीथिंग दैट। सो कहीं ना कहीं रिया जो है वो अब नेपोटिज्म और इंडस्ट्री की तरफ वापस से इस मुद्दे को भेजती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप लोग एज ए व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।